रात के 3 बजे धोनी ले सकते हैं संन्यास, दुनिया से उल्टा चलते हैं धोनी। धोनी है मनमौजी इंसान, धोनी का कुछ नहीं कह सकते भाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का। आईपीएल में व्यस्त धोनी के संन्यास की खबरें गाहे बगाहे हवा में उड़ती ही रहती हैं, और ये खबरें उड़ना लाजमी है क्योंकि धोनी अपने जीवन के 40 बसंत पार जो कर चुके हैं। ऐसे में फैंस और खेल जगत के दिग्गज भी उनके आईपीएल से संन्यास को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को एकदम अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। कुछ इसी अंदाज में धोनी ने टेस्ट की कप्तानी से भी सीरीज के बीचों बीच में संन्यास ले लिया था। अब इसी को लेकर शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दे दिया है। अख्तर ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा, देखिए धोनी का मुझे लगता है कि रात को कोई गाना ना लगा दें और वो कह दें कि मैं इस गाने पर रिटायरमेंट ले रहा हूं। धोनी का कुछ नहीं कह सकते भाई, कोई संभावना नहीं लगा सकता उसके बारे में कि वो क्या करने जा रहा है। धोनी मनमौजी सा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, ये उसकी एक आदत है। अख्तर धोनी की अचानक फैसले लेने की आदत पर आगे कहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहता है, अपनी दुनिया में ही उठता है। रात को देखा 3 बजे कि आज मुझे रिटायर हो जाना चाहिए तो वो रिटायरमेंट ले लेगा। धोनी दुनिया से उल्टा चलता है, वो अपनी मर्जी से चलता है। मुझे लगता है जब समय आएगा तब वो फैसला लेगा, यदि वो चाहेगा तो अगला सीजन भी खेलेगा, यदि उसे लगता है तो मेंटोर या हेड कोच बन सकता है, ये भी उसके लिए बुरा नहीं होगा। ये सब धोनी पर निर्भर करता है। अभी कुछ दिनों पहले यही अख्तर थे जो कह रहे थे कि धोनी अगले साल दिखाई तो पड़ेंगे लेकिन किस भूमिका में, ये सिर्फ धोनी ही जानते हैं। आपको क्या लगता है, धोनी अगले साल संन्यास लेकर मैदान से बाहर सीएसके की ताकत बनेंगे या अभी मैदान पर ही खेलते दिखाई देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।